भोपाल में कोविड मरीजों की मदद के लिए चिकित्सकों ने भी बढ़ाया हाथ। निदान हेल्पलाइन के नाम से चालू की जा रही सेवा में 24 घंटे निशुल्क सेवाएं देने के लिए मेल आईडी द्वारा संपन्न किया जाएगा। हेल्पलाइन कोविड से पीड़ित व्यक्तियों एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिए ही कार्य करेगी। यह सेवा 24/7 चलती रहेगी एवं पूर्ण रूप से निःशुल्क होगी। वहीं गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने भी अपना सहयोग देने का मन बनाते हुए 25,000 वर्ग फीट में बनाएंगे नए 100 बेड का क्वारंटाइन सेंटर। भोपाल में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए गोविंदपुरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के दफ्तर के पीछे 25,000 वर्ग फीट पर 100 बेड का क्वारंटाइन सेंटर बनाने का ऐलान किया गया है, जिसका भोपाल कलेक्टर अविनाश लावनिया एवं एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरदीप सिंह एवं SDM मनोज वर्मा द्वारा स्थान का निरीक्षण किया जा चुका है। जल्द ही क्वारंटाइन सेंटर बनकर तैयार हो जाएगा। भोपाल के गोविंदपुरा क्षेत्र में पड़ा छापा। 4 इंडस्ट्रीज में उपयोग के लिए रखे थे 700 सिलेंडर। अफसरों ने उन्हें अति उपयोगी मानते हुए अपने अधिकार में लेकर मेडिकल उपयोग हेतु अस्पतालों को दिए। कलेक्टर अविनाश लावण्या के निर्देशन में डाले गए छापे में जब्त 700 ऑक्सीजन के खाली सिलेंडरों को अलग अलग अस्पतालों को कोविड मरीजों के उपयोग में किए जाने हेतु दिए गए हैं। वहीं उन्होंने ऑक्सीजन का उपयोग उद्योगों में किए जाने पर रोक लगा दी है, ताकि अस्पतालों में हो रही कमी को पूरा किया जा सके, जिसके लिए पूर्व में कलेक्टर द्वारा उद्योग संचालकों को नोटिस भी दिया गया था। इसके बावजूद भी कुछ श्रम चालकों ने नहीं माना था, जिस कारण छापे की कार्यवाही करना पड़ी। यसडेडा की अपील, आप आपके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और आपका परिवार आपके लिए। कृपया मास्क लगाएं एवं सावधानी रखें और सुरक्षित रहें। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं रश्मि जैन, यसडेडा न्यूज़, भोपाल, मध्य प्रदेश।